दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू की गिरफ्तारी मामले में बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि उसे कैसे कल रात करीब 10:30 के आसपास करनाल से गिरफ्तार किया गया। इस वक्त दीप सिद्धू स्पेशल सेल के दफ्तर में मौजूद है और वहां उसे क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल दोनों ही पूछताछ कर रहे हैं। गौरतलब है कि दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। अब उसे क्राइम ब्रांच को सौंपा जाएगा क्योंकि पूरे मामले की जांच इसी एजेंसी द्वारा की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दीप सिद्धू की आज कोर्ट में पेशी होगी। इससे पहले क्राइम ब्रांच दीप सिद्धू से हिंसा वाले दिन के बारे में और अन्य फरार आरोपियों के बारे में पूछताछ करेगी। पुलिस के अधिकारी संजीव यादव ने बताया कि कल रात करीब 10:30 के आसपास दीप सिद्धू को करनाल से गिरफ्तार किया गया। वो पुलिस के रडार पर कई दिन से था। कल जब वो अकेले एक रास्ते पर खड़ा था और कहीं जाने के लिए कार का इंतजार कर रहा था, तभी पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे दबोच लिया। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि शुरुआती पूछताछ में दीप सिद्धू ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। जब पुलिस ने उससे पूछा कि वह क्यों 25 जनवरी की रात को भीड़ को भड़का और खालिस्तान के एजेंडे पर उकसा रहा था, तो इस पर उसने कहा कि वो भीड़ को एकजुट कर रहा था। उसने कहा वो भड़का नहीं रहा था। 26 जनवरी के बाद से दीप सिद्धू फरार था। सिद्धू फरार था तो लेकिन फेसबुक पर अपनी बेगुनाही का झंडा लगातार बुलंद किए था। सूत्रों का कहना है कि दीप की एक महिला मित्र और कुछ दोस्त विदेश में बैठकर उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर रहे हैं। अब दीप की इस महिला मित्र ने भी उसे बेगुनाह बताया है। 26 जनवरी के दिन जो रेड फोर्ट पर किया है, इसके लिए हमारे केसेस में वांटेड था, स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के केस में। और कल रात एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 के आसपास करनाल के पास से इसको अप्रेंड किया गया है और इसको अभी हम कोर्ट में पेश करेंगे। और क्राइम ब्रांच के पास चूंकि वो केस है, क्राइम ब्रांच अपने केस मैरिज डालेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इसके रूल्स को क्या क्या है और इसने क्या कॉन्स्पिरेसी की। सही जानकारी आ रही है कि सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वो वेरी वायरल, हाउ ही मैनेज्ड टू सेंड दोस पोस्ट। अभी ये वेरीफाई किया जा रहा है, जो उसकी सोशल मीडिया, जो हम लोग के पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से इसकी पोस्ट यूएस से अपलोड हो रही थी, उसके बारे में उसे पूछताछ की जा रही है। कहाँ जा रहा था बता रहे पूर्णिया? 26 तारीख से जिस दिन से इंसिडेंट हुआ है और तब से हमारे केस में वॉन्टेड था, इसके ऊपर 1,00,000 का रिवॉर्ड भी हो चुका था, तो डेफिनेटली ये फरार हो रहा था और भागने छुपने की कोशिश कर रहा था। उसको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में कल करनाल से आपकी कितनी टीमें लगी थी, कैसे चेस किया ये बता दीजिए। हमारी स्पेशल सेल की कई टीमें लगी हुई थी और क्राइम ब्रांच भी लगी थी, क्योंकि क्राइम ब्रांच केसेस है वांटेड था। Somebody also looking for those people who were hiding him and क्राइम ब्रांच के पास केस है, क्राइम ब्रांच इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगा कि इससे किसका क्या रोल है इसको छुपाने के अंदर या इसी कॉन्स्पिरेसी। सर अकेले था, कैसे था, किस हालत में जो पकड़ा गया? डेफिनेटली जो चीजें ऑलरेडी ऑन एयर है और नेट पर है कि इसने पब्लिक को इंसाइट किया हुआ है, भड़काया है और 25 जनवरी को भी भड़काया है और 26 जनवरी को भी रेड फोर्ट के ऊपर भड़काया है, तो उसका वो रोल है उसी के ऊपर, उसी केस में वो क्राइम ब्रांच के वांटेड है और उसके ऊपर 1,00,000 रुपए का रिवॉर्ड का बिहार भी लोकेशन इसका सर बिहार भी या मोबाइल में हेलो कालो कोई कोई दीप सिद्धू सर आलू कितने एसोसिएट्स हैं इसके जो अभी तक में हैं जो रेड फोर्ट में आए थे इसके साथ, कितने लोग लगे सर सामने सर सामने कल रात में सर सामने और इसको लेकर आया गया है। ये सब चीजें क्राइम ब्रांच के पास से क्राइम ब्रांच डिटेल में से पूछताछ करेगी और हम लोग भी उस पर करेंगे। सर एक चीज ये बता दीजिए, अभी कोर्ट में पेश करेंगे और क्राइम ब्रांच को हैंडओवर कर देंगे? जी हाँ सर। एक चीज आपने ये की, अरे वो बोल दिया सर, इसमें एक चीज ये की ये फोन तो इसका बंद था लेकिन ये अप्रोच कैसे कर रहा था, किसी ना किसी से बात कर रहा होगा? तो अभी बता रहा हूँ कि मैं कल रात में 10:30 इसको अप्रेहेंड किया गया है, यहाँ लाया गया, अब ये एक इनिशियल पूछताछ हुई है। सर ये क्राइम ब्रांच के लोग ऑफिसर साथ में हैं, ठीक है, और वो पूछताछ रिमांड से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।